साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट देकर एक युवाओं की आवाज बुलंद करने का मौका दिया है। आज 6 नवंबर को 12:15 बजे मैं शुभ मुहूर्त में नामांकन करने जा रहा हूं, बड़ी सादगी के साथ। लेकिन जो मुझे टिकट मिला है, क्षेत्रवासियों के प्यार, युवाओं का विश्वास, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। मेरा सपना है कि 200 विधानसभा में सबसे बेस्ट विधानसभा में सापरा विधानसभा क्षेत्र को बना सकूं। तो आप लोगों का आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। साथियों, मैं हमेशा युवाओं के लिए सड़कों पर रहा हूं। प्रदेश का नहीं, देश का पहला ऐसा युवा होगा जो मैं युवाओं के लिए जी रहा था, उनके भविष्य के लिए जी रहा था। आम आदमी, किसान का, सामान्य परिवार का बेटा और बेटी सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाई, रोजगार के लिए आवाज़ उठाई, और हमेशा मैं सड़कों पर रहा। न जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, मुझे कई बार जेल जाना पड़ा, अनशन करना पड़ा, षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, षड्यंत्र करके मुझे जेल में डाल दिया गया। साथियों, मैं महीनों में कई बार घर पहुंचता हूं। एक छोटी सी मेरी 3 साल की बच्ची है जो 13 जनवरी 2024 को 3 साल की पूरी हो पाएगी। मैं मेरे माँ बाप परिवार सबसे दूर रहता हूँ। पिछली 2 दीपावली, यानी इससे पहले गुजरात और उससे पहले शहीद स्मारक का, इनकी मैं त्यौहार भी नहीं बना पाता हूँ। मेरे दिल में ख्याल आता है कि वो लाखों युवा बेरोजगार को माँ बाप के लिए मुझे कुछ करना है। कई बार मैं घर से निकलता हूँ, छोटी सी बेटी गाड़ी के सामने जाकर वो कहती है पापा, लेकिन मैं उसको रोते हुए छोड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो चेहरे, वो मासूम चेहरे याद आते हैं जिनका विश्वास है मेरे ऊपर, जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, कार्यालय पर आते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, और हमेशा मैंने उनकी आवाज़ बुलंद की है। साथियों, इस चुनावी दंगल में कोई करोड़पति के भरोसे से लड़ रहा है, कई लोग बड़ी बड़ी उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ सापरा विधानसभा क्षेत्र वासियों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है, और जो बड़े बुजुर्ग जिनके 2.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को जो मैंने नौकरियां दिलाई उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है। तो साथियों, इस संकट की घड़ी में, संकट की घड़ी इसलिए है कि साथियों, मैं अचानक इस राजनीति में नया हूँ। जब मुझे 19 नवंबर को जेल में डाला गया षड्यंत्र के तहत, तब मेरे जहन में आया कि इस सिस्टम में जाकर मैं बड़ी मजबूती से आवाज़ उठा सकूं। मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए मुझे गुजरात जाना पड़ा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी अनशन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुझे मौका देकर एक प्रदेश के 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों को एक उनका महत्व समझा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का।